प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे अध्याय दो, विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो ये अध्याय है आपके, कि विश्व जनसंख्या और इसमें जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं विद्यार्थियों, इस अध्याय में से आपके कुल तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, कुल कितने तीन नंबर का आपके ये अध्याय है और इसमें कुल क्वेश्चन कितने हैं, तीन क्वेश्चन। तो एक बार अपन क्या करते हैं, तीनों क्वेश्चन लिख देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इस अध्याय में से महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों का वर्णन कीजिए। यानी इस अध्याय में से आपके जो क्वेश्चन पहला हुआ कि विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दो, जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ, और जो तीसरा क्वेश्चन है इस अध्याय में से, वो आपसे पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि दर में क्या अंतर है? ये तो हुए क्वेश्चन तीन, जो तीन नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन कौन कौन से है, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें अपन, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उनकी बात करें अपन। तो इसके अलावा जो हमें याद रखने हैं, इसमें आपसे पूछा जाता है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में और कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको अपन देखते हैं। इसमें जो छोटा क्वेश्चन, इसमें क्या करेगा विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको वो देगा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण देगा आपको, यानी एक उदाहरण दिया हुआ रहेगा। अब समझे अपन किस प्रकार से, अब वो क्या करेगा, आपसे क्या पूछेगा इसमें, इसी को देखें अपन। वो कहेगा किसी ए स्थान की कुल जनसंख्या पचास हजार है तथा
उस स्थान का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा, यानी इस तरह से आपसे पूछेगा। यानी हम बात कर रहे हैं अध्याय दो, और आप लोगों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्या सुविधा रहेगी बाद में कि इस अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। अब अपन जो बात कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले अपन बात करें कि जनसंख्या घनत्व को या वितरण को या फिर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा उस क्वेश्चन का हम यहाँ पे जो बात करें, सबसे पहले कि आप किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, मैं एक सारणी बनाकर आपको बता रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन लिखा आपने, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हम एक साथ यह बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये कारक कितने प्रकार के हैं साथियों, ये कारक आपके तीन प्रकार के हैं। बिल्कुल आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा ही बोर्ड में आपको लिखना है। और पहला कारक कौन सा है इसमें, सबसे पहला है आपके भौगोलिक कारक, और नंबर दो इसमें जो कारक है आर्थिक कारक, और जो तीसरे कारक है वो है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। यानी अब हम यहां पे क्या बात करेंगे, भौगोलिक कारक कौन कौन से भौगोलिक कारक है आपके, भौगोलिक कारकों के नाम। तो नंबर एक जो भौगोलिक कारक है, पहला जो भौगोलिक कारक है आपके जलवायु, और नंबर दो जल, नंबर तीन मिट्टी, और नंबर चार द्रातल, और आर्थिक कारक पहला है नगरीकरण, नंबर दो खनिज, और नंबर तीन औद्योगिकरण। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आपको देखना है इसमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक प्लस एक प्लस एक बराबर तीन दिया हुआ रहता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक एक, एक नंबर का भौगोलिक कारक, एक नंबर का आर्थिक कारक, और एक नंबर का सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक, इन तीनों कारकों का आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो हमें नंबर देखकर भी आंसर देना है। तो अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा तीनों कारकों का वर्णन करना पड़ेगा। अब आगे अपन बात करें विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो हमने लिया था यहां पर कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं।
तो जनसंख्या घनत्व का हमें लिखना यहाँ पर सबसे पहले अर्थ कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें आगे कि अगर हमने क्या बात हुई कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है, एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर हमने कहा कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है इसका, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये फिर हमने कहा कि उदाहरण मान लीजिए आपको, तो हमने क्या लिखा था पहले कि आपसे पूछ दिया हुआ था कि ए स्थान की कुल जनसंख्या कितनी, तो हमें दी हुई थी 50,000। और फिर हमने देखा कि यहां पर क्या दिया हुआ था, ए स्थान का कुल क्षेत्रफल, ये दोनों चीज आपको दी हुई रहेगी पेपर के अंदर, 5,000 वर्ग किलोमीटर। अब हमें क्या करना, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना। तो इसमें अपन कैसे करेंगे, वही अपन फॉर्मूला अपन के पास में लिखा हुआ है, तो इसमें अपन लिखेंगे कुल जनसंख्या कितनी, 50,000 बटा कुल क्षेत्रफल कितना, 5,000, 1, 0 ये गए तो कितने हुए, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हुआ उस स्थान का जनसंख्या घनत्व। तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात की हमने, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, और या फिर आपसे कोई उदाहरण दिया हुआ रहेगा और इसमें आपसे जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो बात की, क्या लिया, जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने लिखा जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर बताइए, अंतर क्या है। अब अपन देखें सबसे पहले किसकी बात हो रही है यहां पर, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होगा, किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का जो अर्थ है वो होता है दो अलग अलग समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को, यानी
जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ध्यान से समझे आप लोग, हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा।